नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ प्रीति और हमारे साथ मौजूद हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। आज हमारा विषय होगा सेल्फी विद डॉटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सेल्फी विद डॉटर नाम की एक मुहिम चलाई जा रही है। जयदीप जी, क्या लगता है आपको, कितनी उचित है ये? देखिए, इसमें उचित अनुचित से ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि ये कहां तक जाएगी और क्या ये केवल प्रतीक है या ये एक आंदोलन में तब्दील हो पाएगा। मुझे लगता है कि इसे एक प्रतीक के तौर पर शुरू जरूर किया गया है, लेकिन ये आंदोलन में तब्दील होने की क्षमता जरूर रखता है। और ये भी सही है कि इस पर बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं। देखिए, इसको एक हैशटैग बनाकर सेल्फी विद डॉटर बताया गया है और आज हम देख रहे हैं कि सेल्फी का जमाना है। लोग अपनी तस्वीर लेने में ज्यादा रुचि रखते हैं बजाय कि दूसरे की तस्वीर लेने के। एक समय था जब कैमरे सिर्फ सामने की तरफ मुंह किए हुए होते थे। मोबाइल फोन के जमाने में हमें दोनों तरफ कैमरे देखने को मिले, लेकिन उसमें भी होता यह था कि 5-6 मेगापिक्सल का कैमरा सामने होता था और 2-3 मेगापिक्सल का कैमरा आपकी तरफ होता था। अब हो यह रहा है कि 7-8 मेगापिक्सल का कैमरा आपकी तरफ है और 12 या 14 मेगापिक्सल सामने है, और मुझे लगता है शायद ये ट्रेंड देख के रिवर्स भी हो जाएगा। बहरहाल, इसका महत्व यह है कि जब आप अपनी तस्वीर खींच रहे हैं और उस पर गर्व कर रहे हैं, तो आप अपनी बिटिया के साथ तस्वीर खींचकर उस पर भी गर्व करें। हमारे यहां अभी समाज में दिक्कत यह है कि लोग बेटियों को उस नजर से नहीं देख पा रहे हैं जिस नजर से देखना चाहिए। बेटियों का समाज में जिस तरीके से पालन पोषण होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। ऐसी स्थिति में समाज में कोई ना कोई तो ऐसा सकारात्मक संकेत हो, प्रतीक हो, जो बदलाव की दिशा की ओर इशारा करता हो। मुझे लगता है कि इसको एक प्रतीक मानते हुए हमें आगे बढ़ाना चाहिए। आप ये कहेंगे कि केवल इस मुहिम से या केवल इस हैशटैग से जो समाज की स्थिति वो बदल जाएगी, तो नहीं होगी। काम बहुत सारा किया जाना, लेकिन कहीं से शुरुआत तो हो। क्या आपको लगता है कई प्रयासों के बावजूद भारत में भ्रूण हत्या रुकने का नाम नहीं ले रही, यहाँ पर सेल्फी विद डॉटर के बजाय कुछ और प्रयास किए जाने चाहिए? देखिए, बहुत सारे जमीनी काम करने की जरूरत है और बहुत सारा हुआ भी है। आपने कानून बनाए हैं, बहुत कड़े कानून बनाए हैं। दिक्कत यह है कि समाज में जो लोग अपनी बेटियों को बड़ा कर रहे हैं, उनके मन में गहरे तक एक बहुत डर बैठा हुआ है। ये समाज अपनी बेटियों को लेकर जितना आत्मीय बाहर से नजर आता है, उतना वो दरअसल है नहीं। हम लोग इसमें लेके बहुत ढकोसला करते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि 4-5 साल की बच्चियों के साथ गलत हरकतें हो रही हैं, दिल्ली में एक निर्भया कांड होता है और दिल्ली नहीं पूरा देश आंदोलित हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस देश के हर गली गांव शहर में इस तरह की कई सारी निर्भयाएं हैं जिनके मामले सामने नहीं आ पा रहे। एक और बहुत दुखद बात यह है कि जो सर्वे सामने आया है हिंदुस्तान के 5 बड़े शहरों में किया गया था, उसमें तथ्य यह सामने आया है कि जो तथाकथित पॉश कॉलोनियां हैं, यानी संभ्रांत इलाके हैं, यानी जहां पर पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उस पढ़े लिखे समाज में भ्रूण हत्याओं के मामले बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। तो हमारा समाज शिक्षित हो रहा है या कि समाज शिक्षित होने की वजह गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है, यह बहुत बड़ा सवाल है। अब भ्रूण हत्या को कैसे रोका जाए? दरअसल यह है कि लोगों के अंदर बेटे की चाहत इतनी ज्यादा क्यों है? हमारे समाज ने बेटे को बुढ़ापे की लाठी मानते हुए इतना बड़ा क्यों मनाया? उत्तराधिकारी उसे क्यों माना? ये इतने सारे सवाल हैं जो समाज में आज के नहीं है, सदियों के हैं। बेटियों के साथ ये शोषण आज का नहीं है, सदियों का है। और दुर्भाग्य यह है कि ये वही हिंदुस्तान है जहां पर यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का नारा दिया गया। ये वो हिंदुस्तान है जहां पर देवी की जितनी पूजा होती उतनी पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती, लेकिन उसी हिंदुस्तान में लड़कियों के साथ देवी के बजाय जिस तरह घृणित व्यवहार होता है, उसको आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। मुझे लगता है कि समाज में बदलाव की दिशा में जो लोग आगे बढ़े भी हैं, जिनके घर में केवल एक बेटी है, वो लोग चाहते हैं कि उस पर वो गर्व करें, उसको अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं और आगे बढ़ाएं, लेकिन एक निर्भया कांड होता है और उनका मन भी सशंकित हो जाता है कि कहीं हमारी बच्ची के साथ कल ऐसा कुछ ना हो जाए। ये सोचकर जो लोग भ्रूण हत्या जैसा गंदा और घृणित कदम उठा रहे हैं, उन्हें हमें यह भरोसा दिलाना होगा कि नहीं, इस समाज में जितनी कदर बेटों की है उतनी ही कदर बेटियों की भी होगी। ये समाज बेटियों का भी उतना ही रखवाला है और ये केवल नारे में नहीं रहे, किसी हैशटैग में नहीं रहे, और ये हैशटैग से होने का भी नहीं है। लेकिन शुरुआत, जैसा मैंने कहा, कोई प्रतीक बनाए। आप देखिए, केवल एक छोटे से संदेश से प्रधानमंत्री, चूंकि देश का मुखिया है, उन्होंने संदेश दिया और बहुत सारे लोगों ने बनाया। कुछ लोगों ने सवाल भी किए, सवाल ये भी किए कि क्या केवल इससे हिंदुस्तान में बेटियों की स्थिति बदल जाएगी? जवाब है कि नहीं, केवल इससे नहीं बदलेगी, पर क्या यह सहायक होगा? हो सकता है। देखना होगा कि इसको कितनी गंभीरता से आगे तक ले जाया जा सकता है, बेटियों से जुड़े हुए तमाम अभियानों से इसको कैसे जोड़ा जाता है। समाज में उस व्यक्ति को जो बेटी की भ्रूण हत्या करने के लिए या नवजात बच्ची को झाड़ियों में या जंगल में फेंकने के लिए मजबूर हो रहा है, या वो माँ जो 4थी या 5वीं बार बच्ची होने पर अस्पताल में उसको छोड़कर भाग जाने को मजबूर हो रही है, वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है? जब तक उस सोच में जमीनी स्तर पर हम तब्दीली नहीं लाते हैं, मुझे लगता है फिर इन नारों का कोई फायदा नहीं रह जाएगा।
क्या महिलाओं को शिक्षित और जागरूक करने के बाद भ्रूण हत्या पर रोक लग पाने में मदद मिलेगी? मुझे लगता है महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को शिक्षित और जागरूक किया जाना है। कोई माँ नहीं चाहेगी कि उसकी बच्ची इस दुनिया में न आए, जन्म न ले, उसकी बच्ची को बड़ा करके वो उसके सपने पूरे न करे। उसके लिए मेरे ख्याल से एक माँ के लिए तो जो बच्चा होता है वो बराबर होता है, संतान संतान होती है, उसका वात्सल्य मुझे लगता है बेटा या बेटी के लिए कभी कम ज्यादा नहीं होता। ये एक हमारा समाज है जो शायद इस तरह का बुरा व्यवहार करता है। कुछ माएं अगर ऐसा करती हैं तो किन परिस्थितियों में करती है ये सोचना मुश्किल है। मेरे लिए माँ एक माँ है और वो बेटा बेटी दोनों को उतना ही प्यार ममत्व और वात्सल्य देती है जितना कि वो दे सकती है, और उससे ज्यादा कोई और दुलार अपने बच्चे को दे नहीं सकता। लेकिन ये ठीक है कि महिलाओं का शिक्षित होना और जागरूक होना जरूरी, ताकि वो उस समय लड़ सके जब उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो अपनी बच्ची को गर्भ में ही मार दें। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि हम बेटों को शिक्षित करें, बेटों को ये बताएं। जब हम बच्ची से कहते हैं कि तुम समय पर घर आओ, उसी वक्त हम अपने बच्चे से भी कह सकते हैं कि तुम जब बाहर रहते हो तो करते क्या हो और किस तरह वो बच्चियों को ज्यादा सम्मान की दृष्टि से देखें। समाज में जागरूकता लानी है तो बेटा बेटी दोनों को जागरूक करना होगा। और अगर अभी की पीढ़ी नहीं भी पा रही तो आने वाली नस्ल कम से कम इस जेंडर बायस से, इस लिंग भेद से बाहर आए। इस लिंग भेद को हम सदियों से इस पे बहस कर रहे हैं, दिक्कत सिर्फ यह है कि ये जो बहस है ये नारों, निबंधों और आलेखों तक सीमित है। सच्चाई में हम लोग बहुत बड़े हिपोक्रेट्स हैं। हमारे भीतर जो पुरुष प्रेम है समाज में वो गहरे तक बैठा हुआ है। और भी दूसरी परिस्थितियां हैं जो हम बेहतर जानते हैं, जिनकी वजह से स्त्रियां अपने आप को इस समाज में बहुत असुरक्षित महसूस करती हैं। उस असुरक्षा को, हमारे उस मानसिक विकार को हमने दूर करने के लिए गंभीर प्रयत्न नहीं किए हैं। जब तक हम उन मानसिक विकारों से जूझते नहीं, ये केवल एक सामाजिक मुद्दा नहीं है, ये बहुत गंभीर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक मुद्दा है। हमें स्त्रियों से जुड़े अपने मनोविज्ञान के ऊपर भी बहुत काम करना होगा और उसी के साथ समाज को भी शिक्षित करना होगा, तब जाकर हम कहीं बेहतर स्थिति में आ पाएंगे। मोदी जी के इस अभियान को लेकर अभिनेत्री श्रुति सेठ ने प्रधानमंत्री के नाम एक खुला खत लिखा था, इसे आप किस नजर से देखते हैं? क्या ये पब्लिसिटी स्टंट था? मुझे लगता है उन्हें अपनी बात कहने का हक था और उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, और केवल श्रुति सेठ ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने सेल्फी विद डॉटर इस हैशटैग को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मेरे भी सवाल हैं, मेरे सवाल ये हैं कि क्या केवल इससे पूरा हो पाएगा? नहीं, इससे नहीं हो पाएगा। क्या इसको हमें इसकी आलोचना करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए? नहीं, हमें नहीं करनी चाहिए। कहीं से शुरुआत हुई है, अच्छा प्रतीक है। बहुत सारे पिताओं ने बहुत गर्व के साथ अपनी बेटियों के साथ अपनी तस्वीरें जारी की हैं और उन्होंने ये भरोसा जताया है कि वो समाज में इस बेटी को अच्छे से बड़ा कर सकते हैं, उन्हें कोई डर नहीं है। इसको देखकर कोई और ऐसे पिता इस समाज में होंगे जो सशंकित होंगे, ऐसी माताएं होंगी जो अपनी बेटी को लेकर डरी सहमी रहती होंगी, जो इस तरह से बेटियों के साथ सेल्फी देखेंगे उनके पिता की, वो अपनी माँ अपनी बेटी के साथ भी सेल्फी जारी करती है, की है। बहुत सारी माताओं ने भी अपनी बेटियों के साथ सेल्फी जारी की है। तो इससे समाज में एक माहौल बनाने की कोशिश है। ये माहौल नीचे तक जाए, गहरे तक जाए जरूरी है। श्रुति सेठ जी ने बहुत सारे सवाल किए हैं और मुझे लगता है ये सवाल हम सभी के मन में भी रहे होंगे, और उन सवालों का जवाब एक दिन में नहीं मिलता, लेकिन ये जवाब प्रधानमंत्री नहीं, समाज को ही देना होगा। शुक्रिया जयदीप जी इस विषय पर बात करने के लिए। वेब वार्ता में फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।